सवाल का जवाब दोगे? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सबको पता है कि मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको व्लॉग और मिनी व्लॉग ज्यादातर देखने को मिलते हैं। लास्ट टाइम मैंने अपनी सिस्टर की शादी का व्लॉग बनाया था और उसको आपने बहुत ज्यादा प्यार दिया था, तो इस बार मैं अपने अंकल के लड़के की शादी का व्लॉग बना रहा हूँ और उसमें मैंने दिखाया था कि गांव में एक लड़की की शादी किस हिसाब से होती है। और इस व्लॉग में हम दिखाएंगे कि गांव में एक लड़की की शादी शुरू से लेके जो भी 5-6 दिन का जो प्रोग्राम चलता है वो किस हिसाब से होता है वो दिखाऊंगा। तो वो प्रोग्राम आज से स्टार्ट हो रहा है और मैं आज शाम से आपको दिखाऊंगा कि कैसे खाने का प्रोग्राम स्टार्ट होता है और लास्ट तक किस हिसाब से प्रोग्राम चलता है। तो मिलते हैं शाम को। दूल्हे का बांध पहला हमारे ही है, तो आज हमारे खाना बन रहा है। खाना स्टार्ट हो चुका है। ये दूल्हे राजा। खाना खाने के बाद इस तरह से दूल्हे के घर तक छोड़ के आते हैं एक लाल चुंडी उठा के। ये बिल्कुल मेरे दोस्त है, मेरे बिल्कुल पास आएगा। जैसे कि आपको पता है कि अभी शादी का प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है और यहाँ पे जो सफाई चल रही है वो चल रही है डीजे के लिए। यहाँ डीजे लगा, दुनिया भाड़ में जाए इसको कोई मतलब नहीं। बढ़िया खाने वाने का प्रोग्राम बनना स्टार्ट हो चुका है। इन टेबलों पे खाना खिलाएंगे तो जचाने स्टार्ट कर दिया है इनको। आज आपके खाने का प्रोग्राम है? क्या क्या बनाया? इस लड़की से कोई भी बात करो सिर्फ हंसती रहती है सारे दिन। अब ये हंस क्यों रही है मुझे भी पता नहीं, मैं तो सिर्फ खाने के लिए पूछा है। आपकी शादी आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया। अच्छा, आप मेरे एक सवाल का जवाब दोगे? हाँ। भारत में दूल्हे और दुल्हन की शादी की उम्र क्या है? 18 तो दुल्हन की। हाँ। और 21 दूल्हे की। वेरी गुड। और मेरी चॉइस है। और ये दूल्हे के असिस्टेंट। जब्बा जब्बा। हाँ। रोटी ना मार। आ जा। अच्छा। हेलो। मैं तो चिकन का लाया था। रोटी चिकन चिकन। तो अभी खाने का बुलावा आ गया है, तो चलते हैं। तो चलते हैं खाने के लिए। लेट हो गए। ये बीनू नाथ भाई का टुच्चा कुत्ता हमारे घर पे आ गया शायद। नहीं, ये हमारा ही है। हाँ, आधा डब्बू। और ये दूल्हे राजा भी आ चुके हैं अपनी गैंग के साथ। कहाँ जा रहे हैं? शादी तक इन बच्चों के मजे रहेंगे, एक अलग ही खुशी रहती है बच्चों में। ये खाना खाने के लिए सामने। दोस्तों, इन दोनों के झगड़ा हो रहा है, दोनों बहनों के ब्यूटी पार्लर में जाने के लिए। बता बता क्या हेलो। शादी है 2 दिन में और आज पता नहीं ठंड की मौसम खराब हो गया, बारिश आ गई बहुत तेज। बस थोड़ी ये दिक्कत हो जाती है गांव में कि गांव में इतनी वैसे तो व्यवस्था रहती है लेकिन फिर भी। तो देखते हैं शायद, और धूप निकल रही है देखो, और बारिश वैसे तेज आपको दिख नहीं रही होगी। और दूल्हे दादा, आपको कैसा लग रहा है? आपकी शादी में बरसात आ रही है तो बहुत ही बुरा लग रहा है। तेरे बोलने की स्टार्ट से लग नहीं रहा तेरे को तो शादी से। तो बारिश तो रुक गई, मौसम खतरनाक हो रहा है लेकिन ये देखो। और हमारे गांव में इंद्रधनुष भी बन चुका है आज, कभी कभी मौका मिलता है ऐसा। और एक गांव वाली चाय आ चुकी है हमारे लिए। गाँव में ज़्यादातर एक चीज़ देखने को मिलेगी हमको, जिस कप में आप चाय पियोगे ना उस कप के ये वाला नहीं मिलेगा। गाँव वालों और मेहमानों के लिए खाना स्टार्ट हो चुका है बनना। मिठाइयाँ कंप्लीट हो चुकी है बनकर, बाकी की और चीज़ें बन रही है। उस दिन थोड़ी सफाई बकाए रह गई थी तो आज चल रही। ट्रैक्टर चलाना आता है? हाँ आता है, आता है। अच्छा, ये क्या है? ये क्या है? ब्रेक है ये खाने का। ताऊ जी जा रहे हैं खेत पे खाना खाने के लिए। ताऊ जी खेत पे रहते हैं और ये रास्ता देखो खेतों का, इस रास्ते से जा रहे हैं हम खाने के लिए। मैं लेट हो गया, दीदी और तो खाना खा गा क्या अभी। आज खाने का तीसरा दिन है। जैसे कि आपको पता ही है कि शादी में ऐसे पान वगैरह देते हैं, सब जगह देते हैं, शहरों में भी देते हैं, गांव में भी देते हैं। तो हम ताऊ जी के जा रहे हैं, ताऊ जी खेत पे रहते। फसल है ये, ताऊ जी की फसल है और ये अंकल जी की फसल है। हमारा खेत थोड़ा उधर की तरफ है और हम खेत पे आ चुके हैं। जोर से मतलब। और यहाँ टेंट वेंट लगना स्टार्ट हो चुका है। हमारे सबसे पहले लड़के के मामा जाते हैं, बत्ती बोलते हैं भात लेके। बत्ती आ चुके हैं, बत्ती वगैरह है, उनके लिए नाश्ता स्टार्ट कर दिया है। थोड़ा खराब हो गया, बारिश का हो रहा है और आपको एक चीज़ दिखा दूँगा, वही जगह है ना जहाँ कल सफाई की थी। टेंट लगा रहे, वाटर प्रूफ लगा रहे हैं। दोस्तों, 7 दिन की ज़्यादातर तैयारी हो चुकी है और
एक बात है, बारिश तो रुक गई और मौसम है ना जो बहुत ही अच्छा हो रहा है। ये तो दूल्हा है और ये इसके साथ जो बैठे ना, ये इसलिए बैठे हैं कि आज इसको बिना मांगे हर चीज मिल रही है और ये इनके फायदा हो रहा है। पानी चलाने जा रहा हूं। क्या कर रहा है? बोट में पानी चलाने जा रहा हूं। अच्छा, बोट में पानी भर रहा है। फिर सुबह मैं पहुंच गया खेत पे धनिया लेने के लिए, क्योंकि मीठा खा के परेशान हो गया तो चटनी खाने की इच्छा थी, जिसको लेके घर आए। अरे इसका एक ही काम है, चाय पकड़ाने का, उस दिन भी देखा था आपने। और ये हमारी पूनम देवी चित्तौड़ वाली, देखो आज इसकी शादी है और ये गेम खेल रहा है पबजी। हल्दी का प्रोग्राम है और दूल्हे की मेहंदी लग रही है, और एक ये हमारी अंकल की लड़की है। आज हल्दी की रस्म है और फोटोशूट वगैरह चल रहा है। मैं दिखा दूँ, मेरे पास तो हल्दी वाली ड्रेस थी नहीं, मैंने तो ये पहन रखी है। और ये वही लड़की जो 75 हार्ट डे में मेरा खाना चुरा चुरा के खाती थी। आज थोड़ा खाने वाने का प्रोग्राम चल रहा है, खाना बनाने का। चश्मे के लिए लड़ाई हो गई इन दोनों के बीच। हाय गाइज, बोलने वाली लड़की है ये। वो हल्दी का प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, गांव वाले इतने आ गए कि छत पे जगह ही कम पड़ गई। अब हल्दी के प्रोग्राम में थोड़ा मीठा तो बनता ही है। हमारे गांव की सस्ती लड़कियां ये रेडमी के मोबाइल में HD इंस्टाग्राम पोस्ट देख के कॉपी करने की कोशिश तो करती है, पर होती नहीं है इनसे। और हल्दी वाला चक्रव्यूह तोड़ने की कोशिश करता हुआ अभिमन्यु। देखना फिर से बोलेगी दोस्तों, देखना ये बोल गई। हल्दी हो चुकी है, अब बासन लेने के लिए जा रही है लेडीज। दीदी और भाभी और भी जा रही है और ये बासन लेके घर पे आ चुकी है। बासन वगैरह का प्रोग्राम हो चुका, अब खाना वाना खा के अब निकल रही है गांव में बिंदोरी, डांस वांस करते हुए हमारे खुद के गांव से। अब यहां पे आपको हमारे गांव की एक से बढ़कर एक प्रतिभा देखने को मिलेगी। ये बैंड को रोकने वाली प्रतिभा है, ये नाचने वाली प्रतिभा है, मेरे को डांस तो आता नहीं तो थोड़े पटाखे छोड़िए। बैंड वालों के हथियार छीनने वाले कुछ कलाकार,
सुबह ही इन अंकल ने मुझे बताया था कि इनके पैरों में थोड़ा दर्द होता है, पर अब तो वो दर्द कहाँ चला गया मुझे भी नहीं पता। बैंड वाले भाई साहब इनके मजा है क्योंकि इनको तो बजाना पड़ ही नहीं था, बजाने वाले तो दूसरे हो गए। खुशी देख रहे हो लौंडे की, ये देखो पैर में दर्द होने वाले अंकल। दूल्हे के ताऊजी जब से बिंदोरी में आए बेचारे सिर्फ बैंड की हिफाजत करने में लगे हुए हैं। बैंड वाले गायक कलाकार तो ये भैया थे, पर हमारे गांव वाले लड़के इनकी जिम्मेदारी भी खुद उठा लेते हैं। वैसे मुझे ये साठ वाला कमाल लग रहा है, वरना ये वैसे आसानी से गाते नहीं है। ये नीली ड्रेस वाली काली लड़की मेरे अंकल की लड़की है, सतरंगी बाजा बजा रही है और लग भी बाजे वाली रही है। बारात जाने वाले दिन सुबह का खाना बनते हुए। हाँ जी दोस्तों, तो आज बारात है, रात को लेट नाइट तक घर पे आए थे, तो मैं तो अभी एक बज गया, अभी उठा हूँ सो के, अब नहा धो के कटिंग वगैरह में करा के आ गया, अब नहाएंगे तो ये फिर बारात में चलते हैं। गाँव के लड़के की बारात जाते ना, वैसे तो बारात हमारी सिंपल ही जाएगी, फिर भी दिखाएंगे आपको। गाँव का जोहल जुलाई का प्रोग्राम जो बारात जाने से थोड़ी देर पहले होता है, दूल्हे को नहलाते हुए। और बारात जाने की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है और मैं भी तैयार हो चुका हूँ, अब चलते हैं आपको आगे दिखाते हैं, थोड़ा प्रोग्राम चल रहा है। दूल्हे को नहला दिया है और उसके जीजाजी और उसको कपड़े पहना रहे हैं और अब उसकी मोरछड़ी का प्रोग्राम स्टार्ट होगा। 15 शादी में शुरू से लेके अब तक अपसेट है, ये बिंदायक है, ये परेशान इसलिए है क्योंकि इसको पैसे नहीं देते। देखो गम, देखो इसको, अरे किसका गम लग रहा है। और दूल्हे राजा का सबसे स्पेशल जो गेस्ट है वो ये रहा। बारात जाने से पहले हमारे घर में जितने भी देवता हैं उनका और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेता है दूल्हा और फिर जाता है बारात में। ये थोड़ी घोड़ी की मान मनोहर कटी स्टार्ट। दूल्हे की गाड़ी अपनी साइड पे खड़ी है। गांव के जितने भी मंदिर हैं उनमें दोग देने जा रहा है दूल्हा। परिवार वाले बारात में जाने के लिए खड़े हैं तैयार और बारात के लिए रवाना हो चुके हैं हम। गांव की बारात खेतों के बीच से निकलती हुई, देखो मैं आगे आगे बना रहा हूँ वीडियो, ये खेत है, ये बारात है, अभी आपको और दिखाता हूँ। ये खेतों के बीच से निकलती हुई बारात, गाँव में हाथ हिलाकर बैंड से गाना चेंज करवाने वाली कला, ये भी एक इम्पोर्टेंट कला है। बैंड वाले भाइयों की ऐसी कोई चीज नहीं जो गांव वाले यूज करके ना देखे, जैसे इसको देखो। दोस्तों गांव की बारात खेतों के बीच से मस्त निकल रही है, ये दोनों तरफ खेत है और वो आ रही है बारात। ये जवान पहले ही आ गया, बाकी बारात वहां पे और मस्त, इतनी गर्मी भी नहीं है, इतनी ठंड भी नहीं है, शानदार मौसम हो रहा है, बारिश का मौसम हो रहा है लेकिन बारिश आ नहीं रही है। और दूसरी बात, दोनों तरफ खेत है तो मतलब मैं बता नहीं सकता, वो लड़की वालों के घर है और ये लड़के वाले आ रहे हैं, तो चलो मिलते हैं आपसे आगे। तो आपके भाई के तो चश्मा चढ़ा हुआ है, एक डांस कर रहा था लड़का, उसने आके इसके यहाँ से तोड़ दिया। चलो मैंने भी उसको कुछ नहीं बोला क्योंकि शायद हो ही जाता बारात में आने में, और दूसरी बात यहाँ पे इतना उजाला वगैरह था नहीं गाँव में। चलो अभी मिलेंगे उस बंदे से जिसने ये चश्मा तोड़ा। मेरे जीजाजी हैं और अंकल के लड़के वगैरह घर पहुंच चुके हैं। लड़के के घर पहुंचते कुछ ऐसा हो जाता दूल्हा। अब यहाँ पे आप सभी जानते हो दिखाने के लायक कुछ है नहीं, तो अपन सीधा मिलेंगे स्टेज पे क्योंकि व्लॉग थोड़ा लंबा हो जाएगा। मेरे बचपन का फेवरेट पल जब बारात से जुआरी मिलती थी 10 रुपए और फिर हम उस जुआरी को खुद ही रख लेते थे। और ये स्वागत है सभी का, लड़के वालों का, लड़के वालों की तरफ से वालों के घर है। हालांकि मैं ज्यादा आगे नहीं जा सकता। अरे ये हमारे मोहल्ले की एक और एंटी की, ये वाले भैया
और ये अपने गाँव के दुल्हन से लेग लेने के लिए बैठे हैं। और गाँव की नाचने की कला कहीं भी उभर कर आ जाती है। और ये हमारे दुल्हन आ चुकी है। दो दुल्हन देख के कंफ्यूज ना हो, हमारे एक ही दूल्हा गया था लेकिन एक दूल्हा दूसरे गांव से आया था, तो ये दो दुल्हन है, दो लड़कों की शादी थी कहने का मतलब। अश्वनी की दुल्हन के साथ जो उनकी सहेली है वो बड़ी खूबसूरत है, ये मोहल्ले वाले बता रहे थे, मैं नहीं बता रहा, कृपया दिल पे ना ले। हमारे तरफ के गाँव में दुल्हन बड़े सिंपल तरीके से आती है, ऐसे ज़्यादा शहर वालों की तरह नहीं होता है। ये गाँव का सिंपल सा स्टेज प्रोग्राम है और अश्वनी ने माला वगैरह पहना दी है, मतलब वरमाला का प्रोग्राम हो चुका है। लड़कों की जोर जोर से आती आवाज को दबाने के लिए आई हुई लड़की वालों की तरफ से एक लेडीज। ऐसे अंकल हमारे गांव में जरूर मिलते हैं जो नेक्स्ट दोनों को राय देते हैं कि तुम्हें इस शादी में क्या गलती नहीं करनी है। अब बारात से घर निकल रहे हैं, दुल्हन आ गई है। दुल्हन के स्वागत की छोटी सी एक तैयारी। कैसा लग रहा है? दूल्हा तो घर आने आ गए मामा। गायक कलाकार। गृह प्रवेश द्वार। गांव में दूल्हे या दुल्हन की शादी के बाद में पुण्य दान दिया जाता है, वो इनको दिया जाता है और ये वो लेने के लिए आ चुके हैं। आखिर पड़ोस में चल क्या रहा है ये देखने के लिए सबसे पहले पहुंचने वाले पड़ोसी जो कि छत पे पहुंच चुके हैं। दोस्तों न चाहते हुए भी वीडियो लंबा हो गया है, तो गांव के व्लॉग और मिनी व्लॉग देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।